हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज के वीडियो में हम मल्टीमीटर की मदद से कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को टेस्ट करेंगे। तो एक मल्टीमीटर के अंदर पॉजिटिव प्रोब होता है जो रेड कलर का होता है और नेगेटिव प्रोब जो ब्लैक कलर का होता है। तो पॉजिटिव प्रोब को हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस के सॉकेट में सेट करेंगे और रेजिस्टेंस सेटिंग को हम 2000 ओम्स पे रखेंगे। अब जो हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है ये एक टाइप का थर्मिस्टर है जो टेम्परेचर के चेंजेस के हिसाब से रेजिस्टेंस को चेंज करता है और ये ECU से 5 वोल्ट के इनपुट पे या रेफरेंस वोल्टेज पर काम करता है। तो जो नेगेटिव टाइप कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है और टेम्परेचर कम होने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब जब हाई रेजिस्टेंस होता है उस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज भी हाई होता है और लो रेजिस्टेंस के टाइम पर आउटपुट वोल्टेज भी लो होता है। तो इस हिसाब से आउटपुट वोल्टेज चेंज होने पर ECU को ये पता लगता है कि कूलेंट का टेम्परेचर क्या चल रहा है। तो हमारे पास ये एक कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। अब ये 2 पिन का सेंसर है, इसमें एक 5 वोल्ट रेफरेंस आएगा और इसमें एक आउटपुट वोल्टेज ECU को जाएगा। तो हम ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के टेम्परेचर को चेंज करके इसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कर सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है या नहीं। तो टेम्परेचर सेंसर पे हम दोनों प्रोब कनेक्ट करेंगे मल्टीमीटर के और रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि कितना बता रहा है। अब हम इसको एक लाइटर की मदद से इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे और चेक करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है या नहीं। तो अगर इसका रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है मतलब हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर ओके है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस था कूलेंट टेम्परेचर सेंसर टेस्ट करने का। अगर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर फेल हो जाता है तो चेक इंजन लाइट ऑन हो जाती है, गाड़ी का रेडिएटर फैन कंटिन्यूस ऑन रहता है और गाड़ी लिम्प होम मोड में चली जाती है, यानी कि टॉर्क रिडक्शन और स्पीड रिडक्शन हो जाता है ताकि गाड़ी ओवरहीट होने से बच जाए। So thank you guys for watching the video. Please like, share and subscribe the channel.